वाराणसी उन्हें जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झाड़गांव से रोजगार सहायक के भ्रष्टाचारी का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने संगीन आरोप लगाए हैं कि उनका कहना है कि रोजगार सहायक भोजेंद्र नकपुरे विगत 12 वर्षों से ग्राम पंचायत झाड़गांव में रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ है, जिनके द्वारा गत वर्षों से विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्य किए गए हैं। वहीं हमसे अनेक ग्रामीणों ने वार्ता की, जिसमें हमसे चर्चा के दौरान अमर राम टेके ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास का काम कराने के तहत रोजगार सहायक भोजेंद्र नकपुरे द्वारा मुझसे 5,000 रुपये की मांग की गई थी। तब मेरे द्वारा रोजगार सहायक को 5,000 रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पैसा दीजिए, काम हो जाएगा। वहीं अशोक लिल्हारे वार्ड नंबर 11 ने बताया कि उनके पशु शेड का कार्य करवाने को लेकर रोजगार सहायक भोजेंद्र नकपुरे द्वारा 1,000 रुपये की मांग की थी, जिसे मेरे द्वारा भोजेंद्र नकपुरे को 1,000 रुपये दिए गए थे, मगर अभी तक काम नहीं हो पाया। जब पैसे मांगने की बात आई तो रोजगार सहायक द्वारा कहा जाता है कि कागजी कार्यवाही में खर्च हो गए हैं। वहीं अनूपचंद चौरे के द्वारा बताया गया कि रोजगार सहायक के काले कारनामों और धांधली का पूरा काला चिट्ठा उनके पास है और रोजगार सहायक पर कार्यवाही हो, इसलिए विगत 3-4 सालों से शासन प्रशासन के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं, जिसमें लंबी अवधि के उपरांत भी किसी अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है। उनके द्वारा बालाघाट कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया गया है। वहीं अनूपचंद चौरे द्वारा आरोप लगाया गया है कि फर्जी मस्टरोल निकालकर राशि का गबन किया गया है। उनके द्वारा रोजगार गारंटी में जिनके द्वारा कार्य नहीं किया गया उनका भी नाम चढ़ाकर राशि का आहरण किया गया है। साथ ही मृत व्यक्ति के नाम से भी मस्टरोल भरकर राशि निकाल गई है। सभी दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद भी अधिकारी द्वारा रोजगार सहायक पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल्द ही अगर रोजगार सहायक पर कार्यवाही नहीं की गई तो वह उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। MPCC 24 न्यूज एक्सप्रेस वाराणसी ने झाड़गांव से क्राइम रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्राम की रिपोर्ट। ये भी आपका नाम? हंसला लक्ष्मी। कहाँ के निवासी है? झाड़गांव। बताइए भैया क्या समस्या है? सर मैं काम पे गया नहीं हूँ, हाजिरी फालतू भी चल रही है, फर्जी हाजिरी। कहाँ पर? पंचायत में। कौन चढ़ा रहा है? सहायक सचिव चढ़ाता होगा सर। क्या नाम है सहायक सचिव का? भुजेंद्र नकपुरे होगा जी। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अनूपचंद चौरे। कहाँ के रहवासी हैं? मैं ग्राम झाड़गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि पूर्व में 2018-19 में जो है यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच सचिव सहायक सचिव के द्वारा मनमानी की गई है जी। रोजगार गारंटी के जितने जो भी कार्य यहाँ पर आए हैं वहाँ पर फर्जी नाम की हाजिरियाँ चला करके इन्होंने पैसे निकाल लिए। कहाँ के रहवासी हैं? मैं ग्राम झाड़गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि पूर्व में 2018-19 में जो है यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच सचिव सहायक सचिव के द्वारा मनमानी की गई है जी। रोजगार गारंटी के जितने जो भी कार्य यहाँ पर आए हैं वहाँ पर फर्जी नाम की हाजिरियाँ चला करके इन्होंने पैसे निकाल लिए जी। तो आपने उच्च अधिकारियों से कुछ संपर्क किए? उच्च अधिकारियों से मैंने तीन अधिकारियों से संपर्क किया, जनपद CO, जिला पंचायत CO और कलेक्टर साहब के। अभी भी मैंने 2019 में आवेदन किया था, अभी तक उनकी कोई जांच नहीं हो पाई जी। फिर अभी इस वर्ष में कोरोना काल की वजह से फिर मैं बीच में मैं कोई शिकायत लेकर के नहीं गया और न ही जात पड़ताल के संबंध में नहीं गए। उसके बाद अभी मैंने आवेदन देने के लिए मैं गया था जनपद CO के पास, मैडम है, मैडम ने बोले कि देखे मेरे आवेदन को, पढ़े सब कुछ देखे, लेकिन उन्होंने बोले कि बोले मैं नहीं कर सकती, बोले आप कलेक्टर साहब के पास जाए। ऐसा क्यों बोले CO मैडम ने? अभी ये मेरे को उसका कोई जवाब नहीं मिला। आपको पूछना चाहिए था ना कि आपके अंडर में जब पंचायतें आ रही है मैडम तो आप कार्रवाई कर सकते हैं आपने उप... हाँ वो उसके बारे में बोला, लेकिन बोले नहीं, बोले उच्च अधिकारी आदेश करेंगे तभी मैं जांच करूँगी। तो आप चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी जो पुराना जो गलत कारनामे किए गए पंचायत द्वारा पंचायत के कर्मचारी अधिकारी जो भी होंगे तो इस करप्शन की जांच किया जाए। अगर अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिए तो फिर आप क्या करेंगे? सर यदि अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया और इसकी जांच सही जांच पड़ताल अगर नहीं करेंगे तो मुझे उच्च न्यायालय के शरण जाकर के मैं उसमें याचिका दायर करूँगा, इनकी पिटीशन लगाऊंगा मैं। धन्यवाद।